तो कैसे हैं आप लोग? हाय गाइस, आज मैं जैसे ही बेस पे ऑन आता हूँ तो देखता हूँ, अरे भाई अपना तो पूरा बेस ही रेड हो गया है। मतलब कि पूरा कैबिनेट वगैरह सब चीज़ रेड हो चुका है, और वो भी केवल एक बंदे ने फुल टू रेड कर दिया। और आप देख सकते हो 1 घंटे के अंदर भाई साहब, जैसे हम सारे लोग ऑफ गए ना, मतलब मैं देखा कि अब हमें 5 बजे आना है, ठीक है, और फिर हम रेड पे चलेंगे, ठीक है। और 2:30 बजे के आसपास हम सारे बंदे खेल रहे थे, उसके बाद सब लोग ऑफ चले गए, बोले कि चलो 1 घंटे आराम करते हैं और उसके बाद दोबारा से हम आके खेलेंगे। लेकिन यहाँ जा आते के साथ पता चलता है कि अपना पूरा बेस रेड हो चुका है। मेरे को पक्का लग रहा ना गाइस कि ये बंदा पूरा ताक झाक में हुआ भाई, कि कब इसके पूरे बंदे ऑफ जाएंगे, उसके बाद फिर हम रेड पे रेड करेंगे। और फिलहाल अपना बेस अभी उतना मतलब अच्छा था भी नहीं, स्टोन वगैरह का ही था, ठीक है। और कुछ डोर्स वगैरह आप देख सकते हो कि आयरन का था, बाकी कुछ खास चीज़ें थी नहीं। और हाँ, जो भी इसने लूट लूटी है वो भी 20% के आसपास लूट मिली होगी इसके पास। और मेरे से आने से पहले डीजे भाई और तीरथ लोगों ने मिलकर बेस को रिपेयर कर दिया, इसलिए अभी ये बेस मतलब पूरा रेड, ये अब रेड कलर का दिख नहीं रहा। लेकिन इस बंदे ने भाई 1 घंटे के अंदर हमारा बेस को पूरा रेड कर दिया। और भाई मतलब मेरे को अजीब लगा यार कि हम 1 घंटे के लिए जिस टाइम ऑफ गए, सेम उसी टाइम वो बंदा आता है और हमें पूरा रेड करके चला जाता है। तभी हम लोग प्लान बनाते हैं क्यों ना टैंक को किल किया जाए। तो आप देख सकते हो गाइस कि हम एयरपोर्ट पे आ चुके हैं टैंक को किल करने के लिए। और मैं अभी एक काम करता हूँ यार, ये सारी मतलब मैं M4 रहा हूँ QVZ अभी इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। मैं सोच रहा क्यों ना UG वगैरह से किल करते हैं, और मेरे को लकली यहाँ पे एक SMG मिल जाती है और मैं यहाँ पे QVZ अभी रख देता हूँ भाई, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ ना कि इन लोगों के पास शायद गन है QVZ वगैरह, ठीक है, और मेरे पास आर्मर भी नहीं है। और आपको पता है जब आप टैंक किल करते हो तो आप जितनी बार गिरोगे ना, मरोगे, उतने बार आपका गन वगैरह बुलेट वगैरह गिरेगा यार, QVZ वगैरह बार बार गिर जाती, तो इसलिए मेरे को बार बार उठाना पड़ेगा वहाँ पे जाके। तो इसीलिए मैं सोच रहा क्यों ना SMG और UG से ही किल की जाए तो और ज़्यादा अच्छी रहेगी। लेकिन पता नहीं गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा लैग होने लगता है अचानक से, आपको मेरे हाथ में गन भी नहीं दिख रहा होगा। अब जाके देख रहे हो पूरा लोडिंग ले रहा है गेम, तब जाके मेरे गन हाथ में गन आती है। और यहाँ पे ये लोग टैंक को लग रहा 2-3 बार शूट किए हैं, और पता नहीं यार ये लोग पहले हमसे पहले जा पहुँचे हैं। ओ भाई यहाँ पे ड्रॉप भी आ चुका है। ओ भाई साहब, हम ये टैंक किल करने आए हैं और गाइस देख रहे हो अपना क्या ही लक है यार कि यहीं पे ड्रॉप भी आ चुका है, वो भी मैं SMG के साथ में हूँ। क्या किया जाए यार, एक काम करूँ मैं जाके QVZ ले आऊँ। लेकिन एक बात है गाइस कि मेरे पास आर्मर नहीं है, जैसे सिर्फ मैं हाइड वाइड का जो आर्मर था वही सब पहन के आ गया। मैं सोचा कि टैंक किल करूँगा, बार बार गिरेगा ना आर्मर, तो फिर यार अब घर पे जाना पड़ेगा, फिर घर पे वो बहुत दूर है गाइस, अभी 10 मिनट तब तक हो जाएगा, तब तक ही 3 बंदे हैं। चलो ये लोग देख लेंगे गाइस, और बाकी मेरे पास SMG है, मैं भी देखूंगा कहाँ पे इन्हे में है। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मैं बाहर में रहूँगा, बाकी आप लोग इधर रहो। और एक ट्रिक दिखाऊँ गाइस, देखो हम लोग है ना इसके ऊपर भी चढ़ सकते हैं, जो सामने बेयर हाउसेज वगैरह दिख रहे हैं और फिर ये जो कंटेनर वगैरह है ना, इनके ऊपर भी चढ़ सकते हैं। लेकिन इन कंटेनर के ऊपर उछल के नहीं चढ़ सकते यार, इसके लिए आपको एक बंदे की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर उछल के चढ़ सकते तो मेरे को ज़रूर से बता देना कि वो कैसे चढ़ते हैं, ताकि मैं आपको, जिन भाई लोगों को ना पता हो तो मैं उनकी हेल्प कर सकूँ, ठीक है। लेकिन मेरे को भी नहीं पता कि ये उछल के कैसे चढ़ते हैं, लेकिन मैंने बहुत कोशिश करा, उछल के तो नहीं चढ़ पाया। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ चलो तीरथ भाई आप थोड़ा सा बैठो, मैं ऊपर देखता हूँ चढ़ के ऊपर चढ़ पाते कि नहीं। आप देख सकते हो DJ भाई ऊपर चढ़ चुके हैं। चलो मैं तीरथ भाई को ऊपर से चढ़ के देखता हूँ। देखो मैं यहाँ पे उछलने की पूरी ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे चढ़ ही नहीं पाया मैं। ये देखो भाई, अब बताओ यार मैं कैसे चढ़ूँ इसके ऊपर। लेकिन कभी कभी पता नहीं यार क्या ग्लिच होता है कि मैं चढ़ भी जाता हूँ। ये देखो यार, अरे यार मैं उतरा क्यों, चढ़ तो गया था, इतना अच्छा से चढ़ गया फिर भी मैं उतर गया। वाह भाई, अरे भाई चलो अब ठीक है। आप देखो एक यहाँ पे भी चढ़ सकते हो आप अपने मतलब दोस्त के सहायता से, ठीक है, और एक जगह आप चढ़ सकते हो। चलो वो भी मैं दिखाता हूँ, पहले देख लेता हूँ यार चारों तरफ कहीं इनेमी वगैरह तो नहीं आ रहा। ये क्या करूँ, रिपोर्ट चेक करूँ? अच्छा चलो ये लोग तो है ही गाइस, ये लोग रिपोर्ट वगैरह अपना चेक कर लेंगे, छोड़ो अभी। मैं आपको एक दूसरा जगह दिखाता हूँ जहाँ से भी आपके पास अगर स्नाइपर वगैरह हो ना तो आप वहाँ से भी इनेमी को देख सकते हो। चलो मैं यहाँ पे एक बंदे को बुला रहा हूँ, तीरथ भाई को बोला कि आ जा भाई तू साथ में। लेकिन मेन बात है गाइस, जिनके पास ना ही स्कोप है ना ही कोई मतलब स्नाइपर है तो यहाँ पे आने से कोई फ़ायदा है नहीं। लेकिन अगर स्नाइपर हो गए तो आप यहाँ से, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला, आप यहाँ पे आ जाओ एकदम आराम से देखो, ठीक है।
यहाँ से अगर आपके पास ग्लाइडर ना हो, अगर आपके पास स्नाइपर है तब ये काम आएगा। अगर भाई जिसके पास ग्लाइडर है तो वो कहीं से भी मतलब इजीली इनेमी को किल कर सकता है। देखो वो जो सामने वेयर हाउसेज वगैरह उसके ऊपर भी चढ़ के इनेमी को इजीली आप किल कर सकते हो। लेकिन अभी अपने पास मैंने अभी ग्लाइडर नहीं बनाया यार, तो इसीलिए मैं अभी बिना ग्लाइडर का दिखा रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे गए जिनके पास ग्लाइडर नहीं होता, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो कुछ जगह आपको दिखा दी जाए। अभी देख सकते हो गाइस अभी 6:30 और बचे हैं और हम तो आए थे गाइस यहाँ पे टैंक किल करने, लेकिन टैंक तो हमें कहीं पे दिख नहीं रहा है, लेकिन सिर्फ एक ड्रॉप तो आ गया सही टाइम पे आया। अब पता नहीं यार लग रहा कि इनेमी भी है यहाँ पे, क्योंकि मेरा अचानक से लैग यहाँ पे बढ़ चुका है। मतलब अचानक से जब भी लैग बढ़ता है ना गाइस, तो मतलब समझ में आ जाता है कि यहाँ पे आसपास में मतलब कुछ और भी बंदे आ चुके हैं। जब बंदे अचानक से आते हैं ना और भी ज़्यादा आपके करीब आने लगते हैं, तब आपका देखना अचानक से लैग वगैरह बढ़ जाएगा। तो फिलहाल तो मेरे को वो कहीं पे दिख नहीं रहे गाइस, देख सकते हो आप चारों तरफ मैं देख रहा हूँ यहाँ से, लेकिन फिलहाल वो मेरे को कहीं पे दिख नहीं रहे। ओ भाई गोलियाँ चले, अरे यार सिट, पीछे से ही मार दिया यार मेरे को इसने। अच्छा चलो अपने दोस्त लोग हैं यहाँ पे, देखो वो लोग क्या कर पाते हैं। अरे यार तीरथ भाई भी गए, तीरथ भाई को किसी ने स्नाइपर से मार दिया। सिट यार, तीरथ डीजे सब की गाना वाना सब बज गया, डीजे का तो डीजे बजा दिया किसी ने यार। सिट यार, इतना अच्छा अभी हम खुशी खुशी माहौल था यार। मतलब ये भी 3-4 बंदे आए हैं, ठीक है तो मतलब लीजन भर से लीजन हो गया। मतलब हम भी 3-4 बंदे थे, लेकिन मेरे पास तो यार SMG थी और मैंने पीछे देखा भी नहीं कि वो बंदे है कहाँ पे है। चलो एक काम करते गाइस, ये तो हो गया यार, ये ड्रॉप तो अब हम लोग लूट नहीं पाए। एक बार मैं जाता हूँ बाहर चलता हूँ और ठीक है अब अपने बेस पे चलते हैं। और क्यों ना अब रेड टाइम भी हो चुका होगा गाइस, और वहाँ पे 4 या 3 मिनट बचे थे, तो आई थिंक अब वो लोग लूट के ले ही जाएंगे, क्योंकि अपना गन्स वगैरह जो भी था वो वहाँ पे गिरा के आ चुके हैं ये लोग। इन लोगों के पास जो भी गन्स था वो गिरा के आ चुके। तभी मेरे को रास्ते में ये 3 बोट में, इस तरह के ये लोग भी मॉन्स्टर होते गाइस, आप देख सकते हो मॉन्स्टर चार्मिंग गाय इस तरह करके ये 3-4 बंदे होते हैं, ठीक है इस तरह के। और इनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा होती है, अगर बोट होते ना तो दो में काफ़ी है गाइस, 2 मैचेट में तो ये मर ही जाते, और एक ही मैचेट में बोट लोग मर जाते, ठीक है। लेकिन ये एक तरह के मॉन्स्टर है जो कि अभी न्यू अपडेट के बाद ऐड किए गए, और इनसे अच्छी खासी लूट मिलती है, जो कि मैंने इसके पहले वाली वीडियो में दिखाया था। ये जो आप ब्लू कलर का आप देख सकते हो बॉक्स, उसमें से अच्छी खासी लूट मिलती है। लेकिन भाई ये मेरे को लगा ना कि जब ये स्पॉन होते हैं तभी या कभी कभी बीच में 2 या 3 मिनट के लिए आप देख सकते हो कि कहीं पे मतलब ग्लिच हो जाते हैं, इस तरह अपने आप खुद ही ग्लिच हो जाते गाइस। और देखो इस तरह के कार्ड मिलता है, और साथ में एक जो है ना गाइस वो बाय करना पड़ता है 60 टिकट से, तो मैं बार बार उसको बाय करने के लिए नहीं बोलूँगा। इनसे जो भी ब्लू बॉक्स मिलता है आप उससे ही अच्छी खासी लूट आपको मिल जाएगी, कभी कभी 4-4 हज़ार सल्फर मिले। ओ भाई ये क्या हो गया, ये लोग ऑन हो गए जबकि एक मैंने मार दिया फिर भी भाई। ओ भाई मेरे को तो लग गया भाई, ये ऑन कैसे हो गया अचानक से। अब मेरे को लगा गाइस कि ये लोग ग्लिच हो जाते, अरे भाई साहब एक ही अथी में फटके में मेरे को पूरा ख़त्म कर दिया यार, मेरी चटनी बना दी इन लोगों ने तो मिलके एक बार में। चलो गाइस कोई ना, इन लोगों ने तो अपनी चटनी बना दी है। आप देख सकते हो अब हमारे पास इतने सारे बॉम्ब्स हैं, ठीक है 60 और 8 हैंडमेड है। अब फिर हम लोग बोलते हैं गाइज कि क्यों ना भाई चलो चलते हैं हम लोग रेड पे, इतने सारे बॉम्ब्स हैं, मैं मिलिन डीजे तीरथ सबके पास ग्लाइडर वगैरह है ही 3-4 लोगों के पास, और भी अपने टीम में है गाइज बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ग्लाइडर वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे इनके भाई जिसके पास ग्लाइडर वगैरह आप उसी के साथ खेलते हो, तो यार ऐसा कोई बात नहीं है, अपने को सिर्फ चाहिए गाइज अच्छा सा फार्मिंग करने वाला बंदा, ठीक है, जो अपने के बेस के लिए अच्छा सा फार्मिंग वगैरह कर सके और रूम वगैरह कर सके बस। और उसके सिवा भाई और कुछ उतनी खास चीज़ें है नहीं, ग्लाइडर हो चाहे ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब बाकी आप देख सकते हो भाई हम लोग मतलब कुछ ज़्यादा ऊंचाई से उड़ने वाले हैं, लेकिन अब हमें 2 जगह बेस मिला है, ठीक है, एक है बायो से आगे और एक है शॉप के पास में। तो मैं बोलता अरे यार मैं कहाँ गिर गया, सिट मैं इतना अच्छा से ऊपर चढ़ा था, इतने मज़े में ऊपर चढ़ा था फिर नीचे गिर गया, ये देखो भाई। चलो गाइज मैं चलता हूँ जल्दी सा अपने, मतलब मैंने 2 जगह बेस देखा है, ठीक है, स्टोन और वुडन बेस है, और मैंने 8 हैंडमेड इसलिए रखा है क्योंकि अगर थोड़ा बहुत आयरन मिला तो हम उसे भी तोड़ सके, ठीक है। क्योंकि देखो गाइज अभी जब तक 20% लूट मिलती है ना, तो मैं ये नहीं कहूँगा यार कि आप आयरन और स्टील का बेस रेड करो, क्योंकि उसमें ज़्यादा लूट आपको मिलेगी नहीं, और ज़्यादा ज़्यादा आपके बॉम्ब्स भी बेकार हो जाएंगे।
जब 71 आवर हो जाएगा तब फिर आप आराम से रेड कर सकते हो और आपको अच्छी खासी लूट मिल सकती है। तो चलो एकदम दो जगह हमने तो देख लिया गाइस। अब मैं पहले जाने वाला हूँ बायो की और चलते यार। वही बेस अपने को अच्छा लग रहा था देखने में कि हाँ ये अच्छा खासा बड़ा बेस था। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा पहले मेडिसिन वगैरह ले लेता हूँ यार। देख रहे हो मेरा हेल्थ बहुत कम है। ओके गाइस, तो चलो हम बायो की और चलते हैं। कल की वीडियो का फर्स्ट शॉर्ट आउट जाता है गाइस आयुष केवट भाई को, और सेकेंड शॉर्ट आउट जाता है करण गेमर को, और थर्ड शॉर्ट आउट जाता है धामिंग गेमिंग बाइटी को। आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू गाइस कि आप सभी लोग इतना सपोर्ट और प्यार दिखा रहे हो, इसी तरफ बनाए रखना। और अपने डिस्कॉर्ड पे बन के फ्रेंड्स हो चुके हैं, ठीक है, बन के मेंबर्स हो चुके हैं, तो आप लोग जरूर से अगर अभी तक ज्वाइन नहीं करे हो तो प्लीज़ जल्दी से ज्वाइन कर लो। और मॉर्निंग में 9 से 10 AM तक आप मेरे से बात कर सकते हो डिस्कॉर्ड पे, तो आप ज़रूर से जाके ज्वाइन कर लो। आप बहुत सारे जो नए लोग होंगे तो यार डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वीडियो भाई पसंद आ रही है तो लाइक कर दो यार। हाँ देखो भाई, जब मैं इस बेस पे आता हूँ तो पहले यहाँ पे मैं बाहर से डैमेज करके देखता हूँ, लेकिन ये डैमेज नहीं हो रहा था। इसका मतलब जरूर से इसके बंदे ने अपने TC डिस्ट्रॉय कर दिए ताकि अपने इसके बेस को कोई रेड ना कर सके। ये भी अच्छा प्लान है गाइस TC डिस्ट्रॉय करके अपने बेस बचाने का, नहीं तो इसके बेस से भी अभी हमें अच्छी खासी लूट मिल जाती है। लेकिन इसके बगल में एक छोटा सा बेस होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम दो हैं, ठीक है, हम सुरेश भाई। इसके डोर को जल्दी जल्दी तोड़ डालते। ओ भाई ये क्या आ गया स्टोन वाला भाई, इसके लिए तो अपने को बॉम्ब बेस्ट करने पड़ेंगे। चलो 3 लगेंगे, अपने पास 60 और 70 बॉम्ब है भाई, इतने सारे बॉम्ब हैं, 2-3 बेस तो आराम से रेड कर सकते। ओ भाई भाग 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 यार, भाग अंदर मत जा। ओ भाई साहब, चलो वो तो रेड हो गया। देखे गाई अंदर में क्या मिलता है। ओ भाई कुछ खास लूट तो यहाँ पे है नहीं यार, सारा मूड खराब हो गया। इतना हमने सोचा था कि कुछ अच्छा खासा लूट होगा, बायो के पास का बेस है। चलो लेकिन कोई ना, यहाँ पे भी 2 बॉम्ब लगा ही डालते हैं, शायद कुछ इसमें कैबिनेट में मिल जाए अपने को अच्छा खासा। ओके, एक और बॉम्ब फूटना था यार, इतना लेट से फूट रहा, पता नहीं क्यों गाई, ग्लिच हो रहा ना क्या हो रहा है पता नहीं मेरे को, मेरा नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इसीलिए इतना देर से। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इनके भाई कैनेड मीट किससे मिलता है, तो देखो यार कैनेड मीट इसी से मिलता है, ठीक है, ये जो आपको बोर दिख रहा है ना इसी से आपको कैनेड मीट मिलेगा। इसका जो मीट है इसको आपको टीन के साथ में कुक करना होगा, ठीक है, 10 इसके मीट को। ओ भाई एक बंदा है, रुको इसको पहले किल करते। ये पता नहीं यार अपना बंदा है क्या यार, मैं इसी में कन्फ्यूज हो जाता हूँ। देखो ये मारते मारते मतलब छोड़ दिया बंदे ने। ओ भाई दूसरा बंदा है, चलो इनेमी है, लेकिन यार मैं खुद कन्फ्यूज हूँ कौन अपना बंदा है कौन क्या है। मतलब कुछ लोग ऐसे है गाई जो अपने साथ में खेलते रहते हैं, फिर वो बगल में आ जाते हैं, फिर वो मेरे को इनेमी समझ के मारने लगते हैं, या कभी कभी मैं ही मार देता हूँ यार। चलो कोई ना, इसके पास कुछ खास लूट मिली नहीं, बंदे ने ज़्यादा कुछ गवाया नहीं है अपने, ये फिर बोलेगा कि इनके भाई आपने मेरी लूट ले ली। ये देखो भाई मेरे को यहाँ पे एक और बेस बायो के पास मिल जाता है, लेकिन ये बेस थोड़ा सा अजीब डिजाइन से बनाया होता है, आप देख सकते हो, मतलब थोड़ा अजीब है यार। इसको रेड करना मेरे को सही में अजीब लग रहा है, लेकिन इसको भी हम रेड कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है गाइस। अगर मैं इसको बोलूँ रेड करने का एक सिंपल सा तरीका, नीचे से डबल बॉल है, ठीक है, प्रोटेक्शन, ऊपर से डबल सेलिंग का प्रोटेक्शन है, और इसको रेड करना है तो आप इसको विंडो से रेड कर सकते हो, विंडो से। जी हाँ, आपको इसको सेकेंड फ्लोर पे जाना होगा और इसके विंडो को तोड़ना होगा, उसके बाद आप इसे इजीली रेड कर सकते हो। ओ भाई बंदा ऑनलाइन है इसके, ओ भाई बंदे ऑनलाइन है, आप देख सकते हो गाइस 2-2 फुटप्रिंट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब बंदा इसके ऑनलाइन है। देखो ओ भाई विंडो से झाँक रहा है, वो देखो बंदा, ओ भाई साहब विंडो से वो उसके बंदे झाँक रहे हैं। ये देखो गोलियाँ भी चला रहा भाई, ये देखो, ओ भाई ये रहा बंदा। ओ भाई सर मेरे पास कोई आर्मर नहीं है यार, मेरे को सिट यार, फिर मैं गया यार, मेरे इतने सारे बॉम्ब्स यार, इतने सारे बॉम्ब्स है भाई साहब, कहीं बहुत सारे ना चले जाए। सर मैं कहाँ गलत मैंने किया गाइस, अरे DJ भाई आप भी गए यार, अपना ही बैड लक है भाई, इतने सारे बॉम्ब्स। ओ भाई इसके पूरे बंदे आ गए, इसके सारे बंदे आ गए, 3-4 बंदे थे, 10-20-30-40, अरे यार सारे बॉम्ब गिरने थे भाई साहब। ये क्या सोशल क्या खेल रहा हूँ यार, बताओ मैं स्टैंडर्ड थोड़ी ना खेल रहा यार कि सारे बॉम्ब गिर गए मेरे। देख सकते हैं गाइस मेरे सारे बॉम्ब गिर गए थे, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला हूँ, ठीक है। दोबारा से हमने 50 बॉम्ब बनाया हूँ, ठीक है, इस बार मैं उधर नहीं जाने वाला, उसके बेस को अब आराम से रेड करूँगा क्योंकि अभी उसके बंदे ऑन है, ठीक है। अब उसके बेस को थोड़ा और अलग तरीके से रेड करना होगा, जब उसके बंदे ऑफ रहेंगे ना तब अब उसके बेस पे रेड करने वाले। अब मैं जाने वाला हूँ शॉप की ओर, जिधर मैंने शुरू में सोचा था कि यार कि शॉप की ओर चलते, लेकिन फिर लोगों ने कहा कि नहीं नहीं चलो बायो की ओर चलते, उधर बड़ा बेस है। लेकिन जिस बेस पे गए थे उस बेस का तो कैबिनेट ही पहले से तोड़ रखा था, क्योंकि वो लोग शायद जान गए थे कि अपने बेस पे रेड होने वाली है, तो इसीलिए उन लोगों ने अपना कैबिनेट ही तोड़ रखा था।
चलो गाइस कोई ना, अब चलते हैं हम लोग सीधे शॉप वाली बेस पे, वहां पे देखते हैं शायद अपने को कुछ अच्छी खासी लूट मिल जाए। ऐसे तो वहां पे भी जो मैंने हमने बेस देखा ना वो बहुत ही तगड़ी बेस है, वो मतलब मेरे को अच्छी बेस लगी कि हाँ यहाँ पे लूट अच्छी खासी मिल सकती है। तो चलो मैं यहाँ से ग्लाइड करके निकलता हूँ यार, जल्दी से वहाँ पे पहुँचता हूँ। तो ये देखो भाई फाइनली हम अपने शॉप के पास वाले बेस पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे मेरे को सामने में दो बेस दिख रहे हैं और पहला बेस ये भाई ये स्टोन का है, लेकिन ये लग रहा है भाई कि इसके अंदर और भी डोर्स होने चाहिए। अच्छा एक डोर इधर है पीछे की और एक डोर है आगे की ओर। मैं ग्लिच करके देखता हूँ शायद कुछ दिखे, एक मिनट हो गए। खाली दिख रहा है यार बेस में, मतलब बीच में डोर वगैरह नहीं है। एक काम करते हैं ऊपर से देखते हैं शायद ऊपर से जाने का रास्ता है क्या। मैं ग्लाइडर क्यों यूज करूँ यार, लैडर है मेरे पास, मैं लैडर का ही यूज कर लेता हूँ। सही रहे, ओए पेड़ पे भी लग रहे थे क्या लैडर? मेरे को लग रहा था पेड़ पे भी लग रहा था लैडर। ओके ऊपर देख लेता हूँ, ये रहा गाइस ऊपर। ऊपर तो कुछ खास चीज़ है नहीं, मतलब इसके बेस को इजीली आप बिना बॉम्ब के भी रेड कर सकते हो। अरे भाई ये क्या हो रहा मेरे साथ, सेट यार ये 11 सेकंड का लॉक हो गया ग्लाइडर मेरा। मेरे को जाना है गाइस सामने वाले बेस पे, ठीक है आप देख सकते हो उसका बेस अच्छा बड़ा है और मैं उसी के बेस पे जाने वाला हूँ और देखता हूँ उसके यहाँ शायद कुछ अपने को अच्छी लूट मिल जाए। अब मेरा ग्लाइडर ठीक हो गया, ये रहा इसका बेस, ये देखो भाई इसका बेस सही में यार थोड़ा बड़ा लग रहा है। इसके पास हो सकता है अपने पास अच्छी खासी लूट हो इसके बेस के पास, इस बनने के पास। ओके ऊपर से तो इसने भी मतलब पूरा बूट कर रखा है। एक काम करूँ इसके ऊपर जाता हूँ, ठीक है नीचे से ही रेड करते ज़्यादा सही रहेगा। ऊपर से अगर रेड कराना तो और ज़्यादा रेड करना पड़ जाएगा। अरे यार मेरे हेल्थ की वाट लग गई, एक काम करता हूँ थोड़ी सी अपनी हेल्थ को फिल करता हूँ, उसके बाद तब तक वो लोग भी आ जाएंगे। डीजे और तीरथ भी यहीं पर बगल में आप देख सकते हो। एक काम करता हूँ डोर से ही रेड करता हूँ ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है ये रहा इसकी डोर। नीचे तो मेरे को पूरा खाली ही दिख रहा है। ओके यहाँ पे तीन बॉम्ब मेरे को लगाने होंगे, ये रहा एक दो तीन, ये सही है, ये रहा तीन बॉम्ब। ओके यहाँ पे इसका कैबिनेट, अरे भाई वर्कबेंच नीचे, मेरे को लगा था कैबिनेट इसका यहीं पे होगा लेकिन कैबिनेट तो मिला नहीं गाइस। इसके पास कुछ लूट, ओ भाई स्टील है, स्टील है, स्टील है और इनको भी अच्छी खासी लूट मिल चुकी है। तीरथ भाई बोल रहे कि हाँ इसके यहाँ अच्छी लूट है, ठीक है। ओ भाई स्टोन है, थोड़े से सल्फर वगैरह है, चलो ठीक है, मतलब घाटा तो नहीं गया यार इसके बेस पर। तीन बॉम्ब मैंने लगाए और दो बॉम्ब इसके कैबिनेट पे लगेंगे, चलो सही है। अपने डीजे भाई भी बोल रहे हैं कि इसके फर्नेस पूरा भरा पड़ा है, ठीक है। ओ भाई चलो सही है यार, हमें यहाँ से जो भी ज़रूरी सामान है ना हाइड वगैरह ले लेता हूँ यार, क्योंकि हाइड वगैरह बहुत सारे जानवरों को किल करने के बाद मिलता है हाइड। और इसके बेस में ओके ये पाइप वगैरह मेरे काम आ जाएगी। और एक काम करते हैं ना यार, इसके चर्बी से हम ऑयल बना लेते हैं, ठीक है। मेरे पास थोड़े से क्लोथ भी है, ब्लेड भी मिल गए भाई, ब्लेड अपने बेस में बिल्कुल भी नहीं थी। लैडर, लैडर भी काम की है यार। और इसके बेस पे ये सारी चीज़ें, सिरिंज जरूरी है। चलो इतनी सारी चीज़ें तो हो गई गाइस, अपने काम की सारी चीज़ें मैं यहाँ से ले चुका हूँ। और अपने डीजे भाई को इसके फटने से अभी अच्छी लूट मिल चुकी है, अब केवल इसका जो कैबिनेट है उसको उड़ाते गाइस जल्दी से, ठीक है। इसके फटने से कुछ भी नहीं है क्योंकि डीजे भाई ने निकाल लिया सारा। और दो बेड लगा रखा है, अच्छा मतलब ये दो बंदे मेरे को लग रहेगा इसके दोनों दोस्त होंगे, ठीक है। और दोनों बंदे ने मिलके बनाया बेस। ओके भाई इसके पास क्या है यार, ओ भाई जो इन लोगों ने उठा लिया, अच्छी खासी लूट है, मतलब इनके पास मेरे को ज़्यादा बॉम्ब वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ओ भाई एक बंदा आ गया, एक बंदा आ गया, ये रहा, ये देखो, ये देखो मेरे को इसकी फुटप्रिंट आ गई थी। ओ भाई किधर किधर भाग रहा है यार, ये बंदा पूरा भागे जा रहा है यार, देख रहे हो कितना लैग हो रहा है यार, पता नहीं यार इतना ज़्यादा लैग, मेरे को कोई सामान तक नहीं दिख रहा, आप देख सकते हो यार, पता इतना ज़्यादा लैग होता है यार। वाह भाई डीजे भाई ने एक आइडिया दिया है यार मेरे को कि क्यों ना भाई इनके भाई तो इसके ऊपर चढ़ जाए फिर बाहर कुदक जाना। आप देखना भाई जिसने आइडिया दिया ना वही बंदा कामयाब नहीं होगा इस आइडिए में। ये देखो मैं तो यहाँ से एक बार छलांग मारूंगा सीधे बाहर जाऊँगा, ये देखो भाई मेरी लक अच्छा था कि मैं जो बड़ा वाला बॉल है उसके ऊपर गिरा, उसके बाद फिर मैं बाहर इजीली आ गया। ये लोग देखो ये लोग अंदर में बार बार गिर रहे थे, मतलब ये लोग बाहर ही नहीं आ पा रहे थे, जिसने आइडिया दिया वही बाहर नहीं आ पा रहे थे, अभी तक नहीं आए। एक काम करते इसके भी बेस को रेड कर ही डालते गए, जो भी हो सके मिलना होगा मिल जाएगा। आई थिंक इसके पास भी अच्छी खासी लूट होनी चाहिए यार, अपने को तो केवल लूट से मतलब है, ठीक है चलो देखते हैं। और इसकी कैबिनेट पक्का इसके अंदर है, कैबिनेट ये देखो इसके अंदर है पक्का कैबिनेट, मतलब तीन दो पांच बॉम्ब और लगेंगे। अपने पास बॉम्ब्स की कमी है नहीं गाइस, अपने पास बॉम्ब्स बहुत है, चलो इसके ऊपर। ओ भाई साहब 9 सेकंड,
भाई साहब अपना तो लक है भाई, अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि लक अब अपना अच्छा हो रहा है, क्योंकि ड्रॉप पे गए, ठीक है, गए थे टैंक किल करने, ड्रॉप आ गया, उसमें लक थोड़ी सी बैड हो गई और हमें उस थाई बंदे लोगों ने पीट पाट के रख दिया, ठीक है। और मैं SMG लेके था, उधर घूम रहा था और अभी देख सकते हो कि मैं आया, बंदा है 100 मिनट या 1000 सेकेंड तक भी इसका लॉक हो सकता था, फिर हमें इसे किल कर देता, इसकी सामान भी नहीं मिलती, लेकिन देख सकते हो 9 सेकेंड। और भाई अच्छी खासी बॉक्सेज इस बंदे ने लगा रखी अपने बेस में, ये देखो भाई चारों तरफ से घुमा घुमा, वो भाई मास्क भी है भाई इसके पास, अच्छे खासे मास्क भी है, लेकिन अपना बैग ही फुल हो गया यार, मास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और मैं देख लेता हूँ जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं ना मैं ले लेता हूँ। चर्बी का मैं ऑयल बनाने वाला हूँ यार, फिलहाल मैं इसको ऑयल बनाने पर लगा देता हूँ, ये देखो। चलो एक स्लॉट और मेरे खाली हो गए, और ये क्या नीडल्स भी काम आ जाएंगे, जो जो चीज़ें मुझे बेकार लगेगी ना उनको जाके मैं सीधा डिसमेंटल कर दूंगा, ताकि मतलब जो भी फालतू चीज़ें हैं अपना डिसमेंटल हो जाए, उससे अच्छी खासी मेरे को लूट मिल जाए। यहाँ पे भाई इसने कितना सारा बॉक्स बना के रखा था भाई साहब, ये लग रहे गाइस ये सारे, ये दोनों है ना एकदम न्यू बंदे मेरे को लग रहे, जैसा कि अगर न्यू बंदे नहीं होते ना तो इनके पास लार्ज स्टोरेज बॉक्स होते, मतलब उसमें ये अपनी चीज़ों को रख रहे होते। लेकिन आप देख सकते, ओ भाई बंदा ऑन आ गया देख सकते यार, लास्ट टाइम में बंदा ऑन आ रहा, अब क्या करेगा भाई, तू ऑन आ गया बता, तो अब ऑन आने से क्या फ़ायदा भाई, तेरा तो बेस ही लूट गया पूरा गलत टाइम में ऑन आया बंदा चलो कोई ना यार, इसके बेस से हमें अच्छी खासी लूट मिल चुकी। ये कौन है भाई, ये किसे मार रहा है, ओ भाई मुझे बंदा दिख ही नहीं रहा यार, ग्लिच हो रहा मेरे साथ लग रहा, ये बोल रहे कि यहाँ पे बंदा है, हमें को बंदा दिख ही नहीं रहा। ओ भाई जैसा मैंने कहा था गाइस कि इसके अंदर कैबिनेट, आप देख सकते हैं अंदाजा बिल्कुल हमने सही लगाया था, और जो भी है गाइस जो वो तीरथ भाई उठा लिया है, हमें को यहाँ पे किसी बंदे का फुटप्रिंट अभी जस्ट दिखा है, ये रहा बंदा, ये देखो ये रहा। ओ भाई इतना ज़्यादा ग्लिच, ये ग्लिच नहीं हो रहा गाइस, ये मेरा जो नेट है ना वो थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम करने लगा, आप देख सकते हो उस बंदे का एक भी बूट क्लब से मेरे को नहीं लगा है, ठीक है, पता नहीं उसका भी नेट प्रॉब्लम कर रहा है ना क्या हो रहा है पता नहीं मेरे को, और ये बंदा लेकिन रिपेयर कर रहा है, ठीक है, अपने बेस को। एक काम करते हैं उसको किल करने की कोशिश करते हैं, ऊपर डीजे भाई है, कहीं डीजे भाई को ना किल कर दे यार, रुको रुको इसको मारना होगा भाई, ये बंदा भाग गया डर के मारे ये बंदा भाग रहा है, ओ भाई इसके पास गन आ गई, इसके पास गन आ गई यार, ये देखो अब तो तू गया। ओ भाई मेरा नेट यार, देखो 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 ये बंदा भी खड़ा है ना, देखो मेरा नेट का क्या ही मतलब दुर्दशा है, वो भाई देखा क्या ये मेरा नेट चल रहा है ना यार, मैं ही जान रहा हूँ। चलो कोई ना यार, लेकिन इसके बेस से मेरे को अच्छी खासी लूट मिल गई है, और इधर डीजे भाई ने उसको सुला दिया इस बंदे को, जो भी लूट थी गई अब जा रहा हूँ अपने बेस पे लेके के सारे लूट अब सेव कर दूंगा, क्योंकि भाई आज का दिन बुरा जाते जाते अच्छा जा रहा है यार, मतलब शुरुआत में तो अच्छी बुरी गई यार दिन, लेकिन अभी फिलहाल अच्छी जा रही है, ठीक है, अपने पास अच्छे खासे बॉम्ब दोबारा से बन गए, फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।